छोटी रानी मैं कर दूंगा, आप क्यों परेशान हो रही भाई? अबे मैं पूरे घर भर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है और तुम कहते हो तुम रोजाना साफ करते हो। एक काम करो, तुम बाहर जाओ, आज से इस घर की सफाई मैं करूंगी, जाओ। ओहो छोटे रानी, आपको क्या लगता है सिद्धांत साहब को मालूम पड़ेगा कि आपने इतना कुछ उनके लिए किया? वो अलग तरह के आदमी, अपनी दुनिया में खोए रहे तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल? कहता है दिल रस्ता मुश्किल मालूम नहीं। छोटी रानी, किन ख्यालों में खो गई सिद्धांत साहब के? चुप रहो, तुमसे जितना कहा गया उतना ही करो। यहाँ सफाई करो, मैं बाहर सफाई करूँ। ओफो, इस घर में और कोई है कि नहीं है मेरे सिवाय? सब चीजें इधर से उधर, कोई नहीं देखेगा कैसे रखना है क्या करना है। गोपाल भाई, बच्चे का दूध गर्म हुआ कि नहीं? अब उठने का समय हो गया उसका, ये बोतल धो के दूध डालना। बुआ जी, बुआ जी, तकदीर वाला है मुन्ना, जो उसकी देखभाल करने के लिए आप मौजूद हैं, वरना धन्य है आपकी ममता, आपका प्यार। कितने लाड प्यार से पाल रही हैं आप मुन्ना को, धन्य है। वही तो, अब देखो ईश्वर ने मुझे तो अपनी कोई औलाद दी नहीं, अब भले ही मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरे सीने में तो माँ का दिल भरा हुआ है, और उस दिल में माँ की ममता किसी और माँ से ज्यादा। अब करण और कंचन को मैंने ही तो पाला है, और इस बच्चे की देखभाल भी मैं ही कर रही हूँ, इसकी माँ से ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं इसका। वाह बुआ जी वाह, आप महान हैं। लेकिन बुआ जी, उसी मुन्ना की माँ यानी आपकी बहुरानी के बारे में मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ। क्या? मैं नहीं चाहता कि आपके अलावा इस बात का इस घर में किसी को भी पता चले। चल चल बता दो, चल बोल ना। जी के हाव भाव देखकर लगता है मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब अगर ईश्वर ने चाहा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये पूजा जी हैं, दीवान साहब की बहू। इन्हें खास तौर पर दीवान साहब ने मेरे साथ यहाँ भेजा है आपकी परेशानियाँ समझकर उसे दूर करने के लिए। ये आपसे कुछ छीनने कुछ लेने नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए यहाँ आई हैं। हमें सब मालूम है कि ये सब कोरी बातें हैं, ये भी अपने फायदे की बात सोचेंगी, हमारा फायदा तुमसे नहीं होगा। आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। सिद्धांत जी को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। प्लीज मुखिया जी, आप बैठ जाइए। आप सब लोग ये जानते हैं कि जमीन पर दीवान साहब का मालिकाना हक है, कानूनी तौर पर ये जमीन उनकी है। हम लोग ये जमीन पर रिजॉर्ट और रेस्ट हाउसेस बनाने का काम जल्द ही शुरू करना चाहते हैं। हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द ये जमीन खाली कर दें। देखिए बाबू, हम आपके काम में रुकावट डालना नहीं चाहते। दीवान साहब एक भले ही निहायत शरीफ आदमी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं, मगर उन्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये जमीन हमसे छिन गई तो हम कहां जाएंगे? हम आप लोगों को इसके लिए एक मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं।
और हर एक परिवार को एक मुश्त रकम हर जाने के तौर पर दी जाएगी और दीवान साहब आपके लिए पक्के घर बनाने के लिए भी राजी हैं। देखिए बाबू, पक्का घर लेकर हम क्या करेंगे? हमारे पास कच्चा घर है, वो हमारे लिए काफी है। तो फिर इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, आप कोई और रास्ता सोचिए। देखिए, और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हम आपको जो रकम देने वाले हैं उसको आप लेकर एक छोटा मोटा धंधा शुरू कीजिए। धंधा और व्यापार करना तो हम लोगों को आता नहीं, और फिर यहाँ कौन सा धंधा चलेगा? हम लोग तो जमीन से अनाज उगाकर अपना पेट पालते हैं, और अनाज उगाने के लिए हमें अपनी जमीन चाहिए। इसका मतलब है आप लोग कोई समझौता करना नहीं चाहते। देखिए बाबू, समझौता वहां किया जाता है जहां कोई फायदा हो। हम अपनी जमीन छोड़कर बंधुआ मजदूरी करना नहीं चाहते। ये जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। देखिए, आप हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर हम पर जोर जबरदस्ती मत कीजिए। देखो बाबू, जोर जबरदस्ती की बात आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। चलो भाइयों, कुछ नहीं होने वाला है। चलो, एक मिनट आप सब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, वापस आ जाइए यहाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आप लोगों की परेशानी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आप लोगों को रुपए या मकान नहीं, बल्कि पेट भरने का साधन यानी कि रोजगार चाहिए। जी हाँ। तो हम आपको रोजगार की, काम देने की हमी देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे रिजॉर्ट में हमें सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, और मेरे ख्याल से इसकी रखवाली आप लोगों से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा। तो हम किसी बाहर के आदमी यानी कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी को ये काम देने के बजाय आप लोगों को ये काम सौंपने के लिए राजी हैं। अगर आप इस काम के लिए राजी हो तो आप सभी की नौकरियां पक्की होंगी, हर किसी को हर महीने बंधी तनख्वाह मिलेगी, और आप लोग इसी तरह इज्जत से जिंदगी गुजार पाएंगे। भाइयों, ये बात तो कुछ ठीक लग रही है, मगर हमें इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहिए। हमें फैसला सोच समझकर करना होगा। चलो, मुखिया जी, मुखिया जी। अरे इन लोगों की बात मत। क्या बात माने, सब बेटों की बातें, कुछ भी नहीं होगा। यही सब तो दे रहे हैं हमको, मकान दे रहे हैं, सब कुछ रहने के लिए। इस बात का क्या विश्वास है कि देंगे कि नहीं देंगे? बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। आप मेरे क्या कह सकते हैं उसके बारे में? बात मानिए, बहुत अच्छी। आओ भाइयों। मुखिया जी, मुखिया। अरे चल हट, मुखिया। तो क्या फैसला किया है आप लोगों? हमें मैडम का फैसला मंजूर है। यस। कहना चाह रही हैं आप? मेरा क्या है भैया, मैं तो कहती रहती हूँ मगर मेरी सुनता कौन है? क्या बात? देखो, मैंने पहले ही कहा था, ये पूजा और सिद्धार्थ को साथ साथ मत भेजो। ओफो दीदा, फिर वही बात। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं?
अरे कल रात विक्रम ने उस सिद्धांत और पूजा को होटल में रात गुजारते देखा है। ये क्या हो रहा है भैया? हमारे खानदान की बहू और उस लड़के के इतने करीब। कैसी बात कर रही हैं आप? एक छोटी सी साधारण बात को गलत मोड़ मत दीजिए। अरे ये साधारण बात है, मैं गलत मोड़ दे रही हूँ? अरे क्या हो रहा है आदित्य भैया, तुम्हें तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं ऐसी घटिया बात सुनना भी नहीं चाहता, और आप भी ये बात दोहराकर अपनी जबान को गंदा मत कीजिए। रही बात वो विक्रम की, वो चोर बेईमान, उसे किसने कहा कि वो सिद्धांत पूजा की जासूसी करे? नहीं नहीं, वो बेचारा तो वहां से गुजर रहा था, उसे लगा शायद कोई मदद की जरूरत हो। तो दीदी आप ऐसे लोगों को मुंह क्यों लगाती हैं? उन्हें अपने हद में रहना आना चाहिए, और आइंदा अगर उसने अपनी इस हद को लांघकर मेरे परिवार में दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन भैया बस इस बात पर आगे कोई बहस नहीं होगी, समझिए आप, कोई बहस नहीं। एक्सक्यूज मी दीवान साहब। हाँ वकील साहब, कैसे हैं? आई एम फाइन थैंक यू। दीवान साहब, पूजा जी के सिलसिले में आपने जो पेपर्स तैयार करने के लिए कहे थे वो रेडी हैं। सिर्फ उनकी अगर मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। मैरिज सर्टिफिकेट? एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, सिद्धांत बोल रहा हूँ। हाँ सिद्धांत बोलो, क्या खबर है? गुड न्यूज है सर, प्राइवेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Hey, that's wonderful news. ये सब कुछ पूजा जी की वजह से हुआ है, सारा खरीद उन्हीं को जाता है। उन्हीं के आइडिया से हम कबीले वालों को समझा कर उनसे समझौता कर पाए हैं। Hey, that's very good. भाई वापस कब आ रहे हो? जी सर, हम शाम को वापस पहुँच जाएंगे। Okay, bye. That's wonderful. हाँ तो वकील साहब, आप कुछ मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कह रहे थे। जी दीवान साहब, मेरी राय में आर्मी से मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाने में बहुत मुश्किल हो सकती है, और इसमें वक्त भी ज़्यादा गुजर सकता है, इसीलिए हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पूजा जी मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी ढूंढ के हमें दे देती हैं तो हमारा काम हो सकता है। दैट शुड बी नो प्रॉब्लम, मैं पूजा से कहूँगा, होगा उसके सामान में यही। राइट दीवान साहब, ऑलराइट, बाय बाय बाय। अरे दिदा, सिद्धांत का फोन आया था, परसों जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी ना, पूजा ने यूं आसानी से सॉल्व कर दी। अब बताइए, पूजा को सिद्धांत के साथ भेजने का मेरा फैसला सही था या नहीं, बताइए आप है? अरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते ही उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी। हाँ, लेकिन मैं तो उसके काम करने के खिलाफ कभी थी ही नहीं, मतलब कभी ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। हाँ लेकिन एक विधवा को अपनी मर्यादा में। प्लीज सिद्धांत, मैं नहीं चाहता कि पूजा को हर बार इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो एक विधवा है। मैं मानता हूं विधवा जीवन की परेशानियां क्या होती हैं या क्या होती थी आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन दिता जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, समय बदल गया, लोगों की सोच बदल गई है। आज विधवा हो जाने से औरत की जिंदगी खत्म नहीं होती, और यह जरूरी भी नहीं कि अपनी मर्यादा या अपने मान सम्मान की हिफाजत के लिए औरत को हमेशा चार दीवारी में कैद होकर रहना पड़े। मुझे ये अफसोस है कि तुम ये जानते ही नहीं कि तुम्हारे परिवार की भलाई किसमें है। मुझे लगता है अब आपको भैया की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। इतने छोटे बच्चे को घर में अकेले इतनी देर तक के लिए छोड़ के जाना, ये कहाँ की अकलमंदी है? और ये अगर ऐसे छोड़ छोड़ के जाती रही तो ये कब तक चलेगा भैया? दीदा, पूजा को हमेशा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा, वो घर में बैठकर भी सिद्धांत के साथ मिलकर काम संभाल सकती है। सिद्धांत एक काबिल लड़का है, मुझे खुशी है कि मैंने सही आदमी को काम पे रखा है। लड़का आ गए। कौन? भाभी, 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 you're just too good, unbelievable, you're great, भाभी। Thank you, thank you, thank you। बुना कहाँ है? बेचारे बच्चे का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन अगर किसी को फिकर हो तो घर के बाहर उतने ही रहे जितने की जरूरत है। ये नहीं कि काम निपटाने के लिए गए एक दिन के लिए और लगाया दो दिन। अरे एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे रह सकती है?
कि चलो घर में 10 लोग हैं बच्चे की देखभाल करने के लिए, लेकिन एक माँ का मन कैसे कर सकता है? अरे बुआ जी, अगर आप नहीं होती मुन्ना की देखभाल के लिए तो पूजा जी को फिक्र जरूर रहती, लेकिन आपके रहते वो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि आपसे अच्छी देखभाल मुन्ना की और कौन कर सकता है? और इतने वक्त मुन्ना से दूर रहकर पूजा जी को कितनी तकलीफ हुई है वो मैं जानता हूं। और कमाल की बात तो यह है सर कि इतनी तकलीफ सहकर भी उन्होंने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जो उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था सर। मैं उनको समझा समझा कर एकदम पागल हो गया था सर। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा उनके साथ कोई समझौता हो पाएगा। मैंने उन्हें सब कुछ ऑफर कर दिया, रुपए पैसे पक्के मकान सब कुछ, बट नथिंग वॉज वर्किंग, क्योंकि उन्हें फिक्र थी अपने रोजगार की। और पूजा जी के बेहतरीन आइडिया ने उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। शी डिड अ ग्रेट जॉब सर। पूजा, ग्रेट जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पापा प्लीज, बाकी की बात बाद में, मुझे भाभी से बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी प्लीज काम करिए। ओके ओके सर, आई टेक अ लीड। ओके सिद्धांत, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप ब्लूप्रिंट बनाओगे ना जी, तो जितने भी कमरे होंगे वो पूरब की तरफ होने चाहिए और पूल जो है हीटेड पूल। भाभी भाभी वो तो चाह रहे हैं, भाभी प्लीज उन्हें रोको ना। भाभी भाभी क्यों, आई कांट ओपन अ रेस्टोरेंट। भाभी भाभी कुछ कीजिए ना। भाभी क्या करूं मैं? भाभी आप ही कुछ कर सकती हैं। क्लास भाभी, भाभी डिनर। हां हां ये हो सकता है। ओके सर, ओके ठीक है, बाय। बोलिए ना सिद्धांत जी। जी आप डिनर खा के क्यों नहीं निकलते? आई एम सो सॉरी यार, भाई खाना खा के जाओ। हां ए थैंक यू सो मच, मैं थका हुआ हूं और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर डिनर लूंगा। ओके आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड एट ऑल। ओके ही मस्ट बी टायर्ड। अगर आप कहें तो मैं डब्बे में खाना ले आऊं आपके। नहीं कंजू जी, दैट्स फाइन, आई विल मैनेज। आप इतनी तकलीफ मत लीजिए। ओके गुड नाइट, बाय, टेक केयर। गुड नाइट। भाभी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके? कंचना ट्रैप्ड। जी अभी आए पापा। आखिर भैया को हुआ क्या है? ये कैसी पट्टी पड़ गई है इनकी आंखों पर कि खुद की बेटी की आंखों में इन्हें सिद्धांत के लिए प्यारी नजर नहीं आती। मैं तो साफ देख पा रही, इन्हें तो सिर्फ अपनी बहू की फिक्र है और उसके लिए मेरी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकती। निशा यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने मुझे देख लिया तो गजब हो जाएगा। हे भगवान, किस तरफ जाऊं मैं? अगर इसने मुझे गाड़ी में बैठते देख लिया तो जरूर गाड़ी को फॉलो करके मेरा पता लगा लेगी। मदद कर सकते हैं? मेरे बच्चे को भूख लगी है और यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं जहाँ से मैं दूध खरीद सकूँ। क्या इसके लिए थोड़ा दूध मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, जरूर आ जाओ। इसका मतलब चांदनी जिंदा है और यहाँ है।